बेखौफ अपराधियों ने बीती रात हथियार के बल पर मठाई पुलिस शिविर के बगल से हथियार की नोक पर बाइक लूट घटना को अंजाम दिया। मधेपुरा मठाई पुलिस शिविर क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों का तांडव मचा है। मठाई पुलिस शिविर क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने बेखौफ ढंग से लगातार घटना को अंजाम देकर मठाई पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं मठाई पुलिस शिविर प्रभारी कमलेश कुमार सिंह चुनौतियों का सामना करने में नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला बुधवार की रात करीब 10:15 का है। मठाई पुलिस शिविर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 3 हथियार लेस अज्ञात अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को हथियार के बल दिखाकर मारपीट कर बाइक लूट ली। पीड़ित बाइक सवार युवक माधव मंडल भान निवासी रात्रि के करीब 10:15 भान से मधेपुरा रेलवे स्टेशन अपने किसी परिजन को पटना से आने वाली कोसी एक्सप्रेस से रिसीव करने जा रहे थे। इसी क्रम में चकला चौक नहर से पश्चिम SME चिमनी के समीप हीरो स्प्लेंडर प्लस पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने मारपीट कर घटना को अंजाम देकर मधेपुरा से फरार हो गए। पीड़ित माधव कुमार ने बताया कि लूटी गई बाइक काले रंग का हीरो स्प्लेंडर प्लस गाड़ी नंबर R43T4379 है। युवक ने बताया घटना को अंजाम देने के कुछ ही देर बाद मठाई पुलिस प्रभारी कमलेश कुमार सिंह को ये मधेपुरा सदर थाना को सूचना दी गई। जानकारी हो कि 2 दिन पूर्व भी इसी की 2 किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे के दरमियान 3 बाइक पर नोक की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने 3 घटना को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक जिसकी सूचना मठाई पुलिस शिविर प्रभारी कमलेश कुमार सिंह को रात में ही फोन कर देने का प्रयास किया गया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी शिविर प्रभारी का फोन रिसीव नहीं हुआ, जिसे साफ साफ पता चलता है मठाई पुलिस प्रशासन रात्रि में चैन की नींद सो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो रात्रि 9 बजे के बाद कभी भी क्षेत्र में गश्ती दल का ना होने के कारण आए दिन बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। वहीं मठाई पुलिस शिविर प्रभारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी तो मिली है, लेकिन आवेदन मधेपुरा सदर थाना में देने को कहा है। मधेपुरा से जिला ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी।